हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलराउंडर चैनल। मैं आपकी फ्रेंड लक्ष्मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि नया नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, उसके लिए आपको बेल आइकॉन दबाना होगा। आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी एक चाय बनाना बताऊँगी। अगर आप डायबिटिक हैं या आप नहीं भी हैं तो भी अगर आप इसको लेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा, और स्पेशली ये शुगर वालों को भी बहुत फ़ायदा करती है। ये देखिए, ये है बेल पत्री, जो कि अभी सावन का महीना आपको महीना है तो आप चारों तरफ आपको ये पत्ते दिख रहे होंगे, और मार्केट में भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। इसकी आपको डंडियां तोड़ लेनी है, ऐसे पत्ते पत्ते बस निकालना, इसकी डंडी मत लीजिएगा। छोटी सी जो जिस तीन से जुड़े रहते हैं वो भी नहीं लेना है। हमने देखिए बिल्कुल पत्तों को एकदम अलग कर लिया है, ऐसे पत्ते आपको इसमें लेना है, और बहुत सिंपल है और बहुत बढ़िया है। और एक कप चाय बन जाना अगर आपको, तो उसमें मैंने अभी डाला जैसे एक कप पानी और आधा कप और डेढ़ कप पानी हमें डालना है, और उसके बाद हमें इसको उबालना है। उबल के जब ये डेढ़ कप से एक कप हो जाएगा तब हमें पत्तियां अलग करके सिर्फ पानी को छान लेना है। तब हम इसे थोड़ा सा उबलने का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से उबल गई है, और उबलते हुए इसको 1 मिनट हो गया है, तो ये आधा कप इसका पानी अभी ख़त्म हो गया। अब हम इसको बंद कर लेते हैं, अब हम इसे छान लेते हैं। इंडक्शन यूज़ करने का आपको एक तरीका बताऊं, जब भी आप हम यहाँ से बटन हमने ऑफ़ किया है इंडक्शन का, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा दिन चले और जल्दी ख़राब ना हो तो आप यहाँ से बंद कर दीजिए। एक आवाज़ आपको सुनाई दे रही है जिसमें फ़ैन चल रहा है, जब तक इस फ़ैन की आवाज़ बंद ना हो जाए तब तक आप ये मेन स्विच जो है इसे बंद ना करें। तो आप इसे अभी, चलिए अब हम इसको छान लेते हैं, और मैं इसे बंद नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें फ़ैन की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर देखिए सिंपल है, आप चाहे तो छन्नी से निकाल सकती हैं और चाहे तो आप ऐसे भी निकाल लें, इसकी पत्तियाँ वैसे इसमें आती नहीं है, छोटे छोटे जो वो एक दो आ सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी हेल्दी चाय तैयार है। इसका कलर देखिए कितना बढ़िया है, और इस कलर में जो कप का कलर उससे और ज़्यादा अच्छी लग रही है। बहुत ही हल्का कलर होता है, और बिल्कुल इसे रोज़ एक कप ज़रूर पिए, 2-3 कप आपको बिल्कुल नहीं पीनी है। कुछ अच्छी, जैसे आप समझ लीजिए कि ये है एक प्रकार की दवाई, तो दवाई भी आपको ओवरडोज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए सिर्फ एक कप लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। कोई भी चाय आप लेती हैं, चाहे वो जामुन है, ये है, और करी लीफ, जो मैं जितनी भी चाय बताती हूँ उसको आप एक ही कप लीजिए। एक कप जामुन की चाय सुबह ले लीजिए तो फिर शाम को आप बेलपत्ती की ले सकती हैं, ऐसे आप अलग अलग ले सकती हैं, पर एक ही चीज़ को आप 2-3 बार मत लीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाता है वो। तो ये चाय ज़रूर पिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पी के देखें, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय श्री हरि।